हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स और एक्सप्लेन करूंगा टाइगर्ट एलईडी रिंग को, जो कि फोटो वीडियोस रील्स शूट करने में काम आती है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 0.4% व्यूअर्स ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी ट्राइपॉड स्टैंड या फिर एलईडी रिंग या फिर और भी कोई अदर एक्सेसरीज जो कि वीडियोस बनाने में काम आती हैं खरीदना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें यह कार्ड मिला है जिस पर लिखा है कि प्रोडक्ट की परचेज के 10 दिन के अंदर अंदर हमें इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन रजिस्टर करना है, जिससे कि हमारी वारंटी क्लेम जो है वो रजिस्टर हो सके। इसके लिए आपको www.gotigot.com पर जाना है और अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है। दूसरा, इस पैक में हमें ये दो आइटम मिली हैं, इनको कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये तीसरे पैक में हमें ये खाली ये मिला है, इस पे हम रिंग लगाएंगे और दूसरा एंड हम इसका ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाएंगे। इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये मेन रिंग है जो कि एलईडी लाइट है, इसमें ये देखिए स्विच भी है और यूएसबी पोर्ट भी है। ये देखिए, इस स्विच पे ऑन ऑफ स्विच है और प्लस और माइनस का है, जिससे हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और कम करेंगे। और सेंटर में एक और एरो वाला स्विच है, इससे हम इसका लाइट का मोड चेंज करेंगे, जो कि कूल वार्म लाइट, ऐसे इस तरह से इसके मोड हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एक नॉच है, यहाँ पे हम मोबाइल होल्डर को लगाएंगे और इसके लोअर साइड में ये स्क्रू है जिसको हम ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाएंगे। इस सब को कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले हम इस पैक को खोलते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं यह मोबाइल होल्डर है, इसका एक एंड जो है वो फ्री रहता है, मतलब वो स्प्रिंग लोडेड रहता है। आप इसको एक्सटेंड करेंगे जिसपे आप अपना मोबाइल या फिर कैमरा लगा सकते हैं। इस फ्लेक्सिबल आर्म को मोबाइल होल्डर पर लगाने के लिए सबसे पहले हम मोबाइल होल्डर का ये जो ऊपर का प्लास्टिक का स्क्रू है, इसको अनस्क्रू करेंगे और रिमूव करेंगे। अभी हम रिमूव किए गए प्लास्टिक के नट को फ्लेक्सिबल आर्म में डालेंगे और इस फ्लेक्सिबल आर्म के बॉल वाले पार्ट को हम इस होल्डर में लगा देंगे। ये देखिए, ये फिक्स हो जाएगा इसमें और ये इसमें रोटेट हो सकता है। आप इसको रोटेट करके मोबाइल होल्डर को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और अभी हम इसको जो नट है ये वाला प्लास्टिक का, इसको फिर से टाइट कर देंगे, जिससे ये बॉल और ये होल्डर दोनों आपस में टाइट हो जाएंगे। चलिए, अब इस मोबाइल होल्डर को एलईडी रिंग पर लगाते हैं। एलईडी रिंग में अंदर की तरफ आप यह नॉच देख सकते हैं, इस नॉच पर हम मोबाइल होल्डर के नॉच को फिक्स करेंगे, जिससे ये दोनों फिक्स हो जाएंगे और हमारा मोबाइल होल्डर इस पे रिंग के ऊपर फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल होल्डर एलईडी रिंग पर अच्छे से फिट हो चुका है और इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं। चलिए, हम अब इस पैक को खोलते हैं और देखते हैं इसको ट्राइपॉड स्टैंड पर कैसे फिट करना है। इस कंपोनेंट के इस एंड को हम ट्राइपॉड स्टैंड पर कनेक्ट करेंगे और ऊपर वाले एंड को हम एलईडी रिंग में कनेक्ट करेंगे। एलईडी रिंग में आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे में ये जो एक इसमें स्क्रू का होल है, यहाँ पे हम इसका अपर एंड कनेक्ट करेंगे। इस कंपोनेंट के साइड में हमें एक स्क्रू दिया गया है, अगर हम इस स्क्रू को खोलते हैं तो इसके अंदर में एक बॉल है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब हम एलईडी रिंग को भी अपने मर्जी से कहीं भी किसी भी साइड में रोटेट कर सकते हैं और फिर हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये वहीं पर फिक्स हो जाएगा। एलईडी रिंग को ट्राइपॉड स्टैंड पर फिट करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइपॉड स्टैंड से मोबाइल होल्डर को हटाएंगे और जो मोबाइल होल्डर का स्क्रू है, इस स्क्रू पर हम एलईडी रिंग के कनेक्टिंग कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे। अभी हम एलईडी रिंग के बेस स्क्रू होल को हम कंपोनेंट के स्क्रू पर फिट कर देंगे। तो देखिए, हम एलईडी रिंग को अभी इस स्क्रू के ऊपर फिट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी एलईडी रिंग ट्राइपॉड स्टैंड पर अच्छे से फिक्स हो चुकी है और हम मोबाइल होल्डर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एलईडी रिंग काम कैसे करती है। इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी यूएसबी पोर्ट का चार्जर लेंगे और इसको हम एलईडी रिंग के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। अभी हम इस चार्जर को 230 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते ही देखिए इसके स्विच में एलईडी ग्लो करने लगी है। ये देखिए, इसका ये स्विच है, स्विच कंट्रोल है एलईडी रिंग का। तो यहाँ पे सबसे नीचे में ऑन ऑफ स्विच है, इसकी एलईडी ग्लो कर रही है। जैसे हम ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखिए एलईडी रिंग की लाइट ऑन हो गई है।
अब इसमें ये देखिए नीचे वाले माइनस वाले बटन से एलईडी की लाइट कम हो रही है, और जो सबसे ऊपर में इसका प्लस बटन है, अगर हम प्लस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो इसकी एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये देखिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और सेंटर में एरो वाले स्विच पे प्रेस करने पे इसका मोड चेंज होगा। ये देखिए कूल मोड, वार्म मोड, ये दो तीन अलग अलग मोड हैं। आपको हो सकता है कैमरा में इतने नज़र नहीं आ रहे हों, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसमें मोड चेंज हो रहा है। जैसे देखिए मैं इसको एक बार दीवार की तरफ करके आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन करते ही लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। अभी हम इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, ये देखिए लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, और अभी हम कम करने के बाद इसको इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये देखिए अभी प्लस के बटन से हम इसको इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ये देखिए इंटेंसिटी बढ़ रही है, दीवार पे भी नज़र आ रही है। और मिडल वाले स्विच से इसका मोड चेंज करते हैं तो इसका मोड भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी ही रिंग या फिर ट्राइपॉड स्टैंड या अदर एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक पे क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पिंग लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।